एवरीवन, आज तक आपने ये वाले स्प्लेंडर बहुत देखे होंगे, ठीक है। ब्लैक कलर के आते हैं या फिर ये वाले ग्राफिक्स वाले आते हैं, ठीक है, ये वाले। तो ये तो यार बहुत कॉमन हो गया। अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए ना स्प्लेंडर में, तो हीरो वालों ने आपके लिए निकाली है, जो कि है हीरो की स्प्लेंडर 01 एडिशन, ठीक है। सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है ये, जो कि मैट कलर में है। एंड इसके ग्राफिक्स आप एक बार देख लो, जैसे हेड आप देख सकते हैं। एंड फ्रंट से देखने में DRL वगैरह कोई नहीं है इसमें, जैसे कि एक्सटेक में आता है, कोई DRL नहीं है। हेलोजन में हेडलैम्प है, अंदर पायलट लैम्प है। मैट कलर में बाइक है, ठीक है। ये जैसे ग्लॉस ब्लैक कलर है, देख लो, ये ग्लॉस ब्लैक कलर है, ये मैट कलर है। ये ब्लैक ना कह सकते हैं आप, इसको ग्रे कह लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप एक बार पहले तो सारी ओवरऑल लुक देख लो इस बाइक की, फिर इसकी डिटेल्स बताता हूँ आपको। पीछे से एक बार लुक देख लो। देखो पर्सनली यार ये वाली बाइक ना बहुत मतलब अच्छी लग रही है, क्योंकि ये वाली देखो ना बहुत कॉमन हो गई है। एंड इसका जो एक ग्रैब रेल है ना, ये वाला स्टील ग्रैब रेल, ये मतलब नहीं इतना अच्छा नहीं लगता, तो लोग अक्सर इसको उतरवा के ये वाला ऐसा ब्लैक या फिर इसको रिमूव ही करवा देते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसका जो है ऐसा ग्रैब रेल है, जो कि ब्लैक कलर में, और जो ब्लैक कलर है ये ग्लॉस में, ठीक है। साइड प्रोफाइल आपको बाइक की दिखा देता हूँ मैं एक बारी, ये देख सकते हो ये साइड प्रोफाइल है बाइक की। बाइक यार ये बड़ी यूनिक लगती है, एंड पूरी मतलब लगती है कि टेस्टफुली मॉडिफाइड है ये बाइक, ठीक है। तो अभी इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में आते हैं। सेम इंजन है, कोई डिफरेंस नहीं है, 97.2 सीसी का इंजन है, एयर कूल्ड है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ ये बाइक आती है। 4-speed गियर बॉक्स है इसमें। फ्रंट एंड रेयर ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल रहा है, जो कि एक्टिवा में भी आपको देखने को मिलता है। जैसे आप रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फ्रंट वाली भी अप्लाई होगी। तो ये 60-40 का रेशो रहता है, जिससे कि आपकी ग्रिप और बाइक स्लिप नहीं होती। हीरो की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 3D एल्बम में देखने को मिलेगी। एंड ये ग्लॉस में, ठीक है, आप देख सकते हो ये ग्लॉस में है। एंड जो यही है ना मेन, जो लोग किसकी अपीयरेंस कर रही है देख सकते हो, बाकी आप देख सकते हो इसके एडजस्टेबल शॉकर्स हैं, दोनों साइड मिल जाएंगे। ब्लैक अलॉयज हैं, ब्लैक इंजन है, ब्लैक अलॉयज, क्योंकि देखने में बड़ी मतलब अच्छी सी लगती है। एंड इसकी एक चीज़ और है, अगर आपको पुराना मीटर चाहिए तो मीटर आपको वही वाला मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीड बताएगा, ऑडोमीटर हो जाएगा, फ्यूल मीटर, न्यूट्रल लाइट, इंजन जैक लाइट, हाई बीम, यहाँ पे आपको स्टैंड का, एंड i3s की बैजिंग। i3 ऑन ऑफ करने का आपको यहाँ पे सिस्टम है, हेडलाइट ऑन ऑफ का नहीं है, क्योंकि ये हुआ चाहती है इसमें। सेल्फ आ गई, यहाँ हॉर्न आ जाएगा इसका, इंडिकेटर्स, एंड हाई बीम लो बीम। इसमें पास स्विच नहीं आता जैसे कि पैशन में आता है, ये आप देख सकते हो। एंड इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि इसमें अंबर कलर के इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है, येलो कलर के, इसमें आपको प्लेन वाइट मिलेंगे, जिसको थोड़ा सा और जो है थोड़ा मॉडर्न लुक देते हैं। एंड ओवरऑल आप बाइक देख सकते हो एक बारी, एंड आपको एक बारी बैठ के भी दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट। तो बैठने के मामले में आपको पता है स्प्लेंडर है, कोई दिक्कत तो इसमें होती नहीं, बहुत कंफर्टेबल बाइक है। एंड हाँ, मतलब सिटिंग पोस्चर बहुत अपराइट है, पर्सनली अगर मेरे को बाइक लेनी हो ना, अगर स्प्लेंडर में चॉइस हो तो मैं ये वाली लूँगा। थैंक यू। तो अगर स्प्लेंडर लेनी हो, ये कंसिडर करने से बेटर है ये वाली करो, कि थोड़ा डिफरेंट भी रहे एंड देखने में जिसको मज़ा भी आए, कि जहाँ से निकलो भी हर कोई देखे यार ये कौन सी स्प्लेंडर है। बाकी क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है ना इसका 01, ये बड़ा यूनिक है। तो बाकी आप देख सकते हैं, आपको उधर से भी एक बड़ी साइड लुक दे देता हूँ मैं, देख सकते हो। बाकी किक स्टार्ट का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है। इस वक्त इसकी कीज़ नहीं है, ये डिसकनेक्टेड है, तो आपको अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ। बाकी मिरर्स आप देख सकते हैं, ये मैं हूँ, मिरर्स आप देख सकते हैं। एंड बाकी ये बाइक तो सेम है वैसी ही जैसी ये वाली स्प्लेंडर है, कोई इतना फ़र्क नहीं है इसमें, लेकिन अपीयरेंस के लुक में ना भाई ये बाइक किसी का तोड़ नहीं है भाई,
अगर आप सुपर स्प्लेंडर भी चाहते हो सेम कलर देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर स्प्लेंडर चाहिए सिर्फ नॉर्मल 100cc वाली तो भाई ये खड़ी है, ये आप देख सकते हैं। अब बहुत सुंदर लगती है देखने में। यहाँ आगे नंबर प्लेट आ जाएगी आपकी, ठीक है। बाकी प्लास्टिक आपको पता है मतलब ठीक ठाक होता है, ये मेटल है इसका, ये मेटल है, बाकी ये भी प्लास्टिक है इसका, ये भी प्लास्टिक है एंड ये भी प्लास्टिक है, ठीक है। तो देख सकते हो बाइक की पीछे से अपीयरेंस ही डिफरेंट है, इन्होंने सिर्फ ग्रैब रेल चेंज करके ना बाइक की पूरी लुक चेंज कर दी है। वो देखो यार क्या पुरानी सी लगती है, बहुत फ्रेश एक लगता है, फ्रेश लुक लगता है। एंड जिसको भी दिखाने जाओ एक बारी को कहेगा भाई ग्रैब रेल चेंज करवाया ना, नहीं भाई ये स्टॉक है। तो ठीक है, स्प्लेंडर तो यही थी। इसकी आपको ऑन रोड प्राइस बता दूँ तो ये आपको 90+ मिल जाती है, 90+ मिल जाएगी बाइक आपको। एग्जैक्ट आपकी मैं यहाँ पे लगा दूंगा कितना प्राइस है इसका, पूछ करके ऑन रोड क्या इसमें एक्सेसरीज क्या क्या कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ डिस्प्ले करवा दूंगा। बाकी आप बाइक देख सकते हो कितनी प्यारी लगती है बाइक। चलो यार आज की वीडियो इतनी थी, स्प्लेंडर आपको दिखाना था मैंने। होपफुली आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।